जिले के देवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीसीएम राजीव शाह की तानाशाही और भ्रष्ट रवैये को लेकर कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने पर्यवेक्षक के साथ मोर्चा खोल दिया है और कार्रवाई न होने पर अमरण अनशन की चेतावनी दी है। विकासखंड देवसर में पदस्थ इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बीसीएम लगातार पैसे के लिए परेशान करते हैं और बिना वजह उन्हें मिलने वाले मामूली वेतन से कटौती कर लेते हैं और पैसों की मांग की जाती है। जिन आशाओं द्वारा पैसे दिए जाते हैं उनका वेतन नहीं काटते। डॉक्टर और पर्यवेक्षक इनकी हाजिरी पूरी भर कर भेजते हैं पर बीसीएम पैसे की जिद पर इनका वेतन काट लेते हैं। यहाँ तक कि भर्ती में 50,000 रुपये के लेकर लिस्ट जारी करने का भी आरोप लगाया। इन कर्मचारियों की इस मांग का समर्थन करते हुए पर्यवेक्षक भी इनके साथ खड़े दिखे और पूरी उपस्थिति भेजने के बाद भी बीसीएम राजेश शाह जो कांग्रेस नेता राम शिरोमणि शाह के भतीजे हैं उन पर अपने रसूख के कारण मानदेय काटने, विभाग में गाड़ियां किराए पर लगाने, भ्रष्टाचार जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। क्या नाम है आपका? क्या कुछ समस्या जा रही है आपके विभाग में? समस्या हमारी है 2023 से लेकर 2024 मार्च तक का हमारा आधे से अधिक पैसा काटा गया है। कौन काटता है? बीसीएम सर काटते हैं। क्या नाम है बीसीएम सर? हम लोग फोन लगाते हैं बोलते हैं आप लोगों का रिकॉर्ड सही नहीं है। बीसीएम सर कहाँ बैठते हैं और क्या नाम है? सर बैठते हैं राजेश शाह नाम है। किस बात का पैसा काटते हैं वो? वही तो पता नहीं चलता किस बात का पैसा काटते हैं। कितनी सैलरी है आपकी? हमारी सैलरी पहले 2000 थी, 2000 से 4000 बढ़ा गया, 6000 हो गया, बाकी काम का पैसा पूरा। और कुछ किसी को कुछ कहना है? क्या पैसे मांगते हैं? पैसे तनख्वाह मतलब पैसा डालने के बजाय क्या पैसे मांगते हैं आप? कैश निकाल के देते हैं कि खाते से काटते हैं? देती है सभी लोग। तो क्या सब और उसमें बोलते हैं कि स्टेटमेंट ला के दिखाओ, स्टेटमेंट में हिसाब करवाए हम 34,000 निकला हमारा, बोलते हैं वो नहीं मिलेगा, पिछला पैसा तुम्हारा चला गया। अगर वो पैसा निकाल के आप उनको नहीं देंगे तो क्या करेंगे वो? क्या बोलते हैं? अब वो बताएंगे निकाल के देती हैं वो बताएंगे। क्या इसकी कंप्लेन आप लोगों ने कहीं की उच्च अधिकारी को? कहाँ कंप्लेन की है? जैसे यहाँ अभी वो आते ना बिमला दीदी बताएंगी क्या नाम है। समित का पैसा भी निकाले थे तो उसने भी पैसा 20,000 रुपए, तो हम बोले कि हम 20,000 रुपए नहीं दे पाएंगे, 20,000 देंगे तो हम सामान किसके लेंगे? तो फिर बोले कि आपका नहीं हो पाएगा इसमें 5,000 में, 5,000 ले लिए हैं और मतलब बाकी अभी पूरा पैसा नहीं। आप लोगों की सैलरी महीने में आ जाती है? नहीं आती, हर महीने नहीं मिल पाती सैलरी, हर किसी को समस्या है ना। आधा डालते हैं आधा नहीं डालते, और पैसा 500 रुपये अलग मांगते हैं डालने का। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर आरपी शुक्ला है, पर्यवेक्षक हूँ सराई में मैं, और इनका सिंगल विंडो मैं यहाँ से बनवा के देता हूँ, सहयोगिनी ले जाके जमा करती हैं और इनका पूरा सिंगल विंडो जो जाता है उसमें इनका काट के पैसे दिए जाते हैं। बताते हैं कि बजट नहीं है, पर जब बजट आता तो फिर इनका नहीं देते, जो लोग पैसे दे देती उनका पैसा दे देते। यहाँ से कई लोगों सीताकली हैं, केश कुमारी हैं, इनसे पैसे ले लिए 5,000 रुपये, इनका कुछ का दे दिए कुछ का नहीं दिए। और समित का पैसा देने के लिए 1,000 रुपये ले रखा सबसे, समित का इनका रजिस्टर रख रखा है। आशाओं की नियुक्ति करते हैं तो जिसकी नियुक्ति हो जाती है समित के द्वारा उसी से फिर फोन लगा के 20,000 लेते, फिर लिस्ट निकालते हैं, और इस प्रकार से यही करते हैं, जिससे पैसा मिल जाता है उसका पैसा पूरा निकालते, नहीं नहीं निकालते। इससे पूरी आशाएं परेशान है, काम करने में उनको बड़ी असुविधा आती है। सरकार चाहती है कि 1 तारीख को पैसे दे दिया जाए, पर जब वो निकालते नहीं, जो पैसा पाते हैं जिनसे उनका दे देते, जिनसे पैसा नहीं पाते उनका नहीं देते। हमारे ज़माने में जब मैं बीपीएम था तब जिनने 40,000 सहयोगी के खाते में डाल दिया था, फिर उससे निकलवा के इन्हें ले लिया, कहते रह गए लौट आए नहीं। तो ये इनकी पुरानी आदत है, पैसे निकालेंगे, पैसे लेंगे और इकट्ठा खाते में डाल देंगे और फिर उसको वापस मांगेंगे। कौन करता है ऐसा? क्या नाम है? बीसीएम राजेश शाह है जो इनका काम है, बीसीएम उनको गुमराह करते हैं। कहाँ बैठते हैं ये? ये देवसर में बैठते हैं, सीबीओ के अंडर में काम करते हैं, सीबीओ कुछ जानकारी नहीं देते, उनको बताते नहीं, उनको मालूम नहीं हो पाता है, उनके अधीनस्थ हैं परंतु ये बताते कुछ नहीं, अपने मन का करते हैं। सहयोगी का वेतन भी काट देते हैं, जबकि यहाँ से मेडिकल ऑफिसर और हम यहाँ से वेरीफाइड करके उनका अटेंडेंस भेजते हैं 100%, फिर भी उनका 2-2 दिन का अभी भी वेतन काटा गया, अभी करंट मई का वेतन इनका काट दिया गया, जबकि यहाँ से अटेंडेंस हमने ही खुद पूरा भेजा है। तो ये दिक्कत है। ऐसा कब से चल रहा है ये? ऐसा 2-3 महीने से। ये शीला एक पनिका है, ये भी आशा सहयोगिनी है जो आशाओं की पर्यवेक्षक है,
उसका भी वेतन लगातार 1,000 रुपए काट रहे हैं और ये पैसे नहीं दे रहे, इसलिए 1,000 हर महीने इसका काट लेते हैं, काट के दे रहे हैं वेतन। पिछले बार भी काटे, इस बार भी काट दिए 2 दिन का वेतन। ये गलत है, ये गरीब है, 6,000 रुपए पाती, इनका वेतन बहुत नहीं है। और BCM का वेतन 22,000 है, तो 22,000 है और ये 3-3 गाड़ियां इनकी चलती है, ब्लोरो इनके खुद खरीद खरीद के इनकी पैसों से। 1,000 सब आशाओं से लिया जाए, 346 आशाएं हैं, तो 3,46,000 रुपए होते हैं, इतने में तो कोई कलेक्टर वेतन नहीं पाता, तो इससे कलेक्टर से ज्यादा ये वेतन कमा रहे हैं। और कहते CMO को देते, BMO को देते, सबको देते, ये सबको बदनाम भी करते, ये हालत है। और आशाएं बहुत परेशान है, निदान होना चाहिए। नहीं, हम लोग 10 जून तक में कलेक्टर, 10 जुलाई तक में कलेक्टर से मिलेंगे, और इसके बाद मजदूर यूनियन से हैं, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हूँ मैं जिला का, हम सब लोग जाके अमरण अनशन पे बैठेंगे कलेक्ट्रेट में, यदि कोई कार्रवाई नहीं करते अधिकारी, यही है इनकी सब समस्याएं। काम करती, सामने पल्स पोलियो है, आज पल्स पोलियो में 1 गिलास पानी हम नहीं दे सकते क्योंकि बजट ही नहीं देते कुछ। यहाँ कल से ट्रेनिंग हुई, 1 गिलास पानी नहीं मिला किसी को, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं डालते। हम लोग देते कुछ और है, मिलता कुछ और है पैसा। 34,000 का हम उसी हिसाब तो बोलते हैं कि तुम भी दो खर्चा पानी हमको खाने पीने के लिए, फिर हम तुम्हारा डालें पैसा। हम बोले कि हम नहीं दे पाएंगे सर, 12 बजे 2 बजे रात में जाते हैं डिलीवरी देके, हम कहाँ से दें खर्चा पानी बीसी को, पूरा दिन पूरा रात दिन 24 खर्चा पानी। सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।